बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ कैन वी इंस्टॉल द टेक्स्ट एडिटर नोटपैड प्लस प्लस। हम लोग जो है ना कोडिंग किस पर करेंगे, नोटपैड प्लस प्लस पर। तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में, कि हम लोग जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML क्या होता है, आज हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होना ज़रूरी है। आप उसको जो है ना ईजिली इस तरह से गूगल से जाकर गूगल पे जाकर जो है ना यहाँ पर जो है ना नोट पैड प्लस प्लस जब लिखेंगे, नोट पैड प्लस प्लस, तो वहाँ पर हमारे पास सबसे फर्स्ट जो वेबसाइट आ जाएगी, हम लोग वहाँ से जो अब देखिए यहाँ पर जो है ना सबसे फर्स्ट वेबसाइट है, दैट इज़ द नोट पैड प्लस प्लस। हम लोग यहाँ से जाके जो है ना इसका कोई भी वर्जन जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से इजीली। फिर उसके यहाँ पर देखें, अब हमारे पास डाउनलोड किया हुआ है, जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट आई हैव ऑलरेडी द सेटअप ऑफ नोट पैड प्लस प्लस, तो मैं वहीं से जो है ना इसको जो है ना डाउनलोड कर लेती। यहाँ पर मेरे पास इसका एक वर्जन है 7.7 नोट पैड का। यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मैं इसको इजीली जो है ना जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इजीली इंस्टॉल कर सकती हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे इंस्टॉल पर क्लिक किया और इस तरह से ये हमारा एक कुछ ही सेकंड में ये हमारा इंस्टॉल हो गया। मैंने फिनिश किया तो ये अब हमारा नोट पैड प्लस प्लस स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने इसको कंट्रोल एंड किया, कंट्रोल एंड करने से हमारी न्यू फाइल ओपन हो गई। और हम इसको जूम इन और जूम आउट करना चाहें तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन है, देखिए हमारी यहाँ पर माइनस करने से हमारी जो है ना जूम आउट हो रहा है और इस तरह से हमारे जो है ना जूम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब जो है ना हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, तो हम उसको क्या करते हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने देखा था कि सबसे फर्स्ट चेक था दैट इज़ द HTML, और उसके बाद जो है ना इसको हमें क्लोज भी करना था बिकॉज इट वॉज कंटेनर टैग, सो इट शुड बी क्लोज एट द एंड। और फिर हमने जो है ना ये जस्ट HTML लिखा। अब हमने दूसरा टैग पढ़ा था जो कि था हेड, हेड में हम लोग क्या हेड को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर बॉडी स्टार्ट की थी और फिर जो है ना इस बॉडी को यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं। मैंने जैसे ही इसको कंट्रोल एस किया मैंने इसको लोकेशन दे दी यहाँ पर डेस्कटॉप पर हमें सेव करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्या हमें यहाँ पर जाकर जो है ना जैसे ही क्लिक किया हम लोग यहाँ पर नीचे ढूंढेंगे एच लिखा तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पर आ रहा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डॉट HTML, तो ये हमें एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग ये एक्सटेंशन नहीं देंगे ना तो वो फाइल सही से सेव नहीं होगी और वो हमारी जस्ट टेक्स्ट फाइल होगी। अभी हमारी जैसे ही हमने इसकी ये जो है ना एक्सटेंशन लगा ली तो ये हमारी क्या हो गई HTML की फाइल हो गई। हम लोग यहाँ पर इसका नाम दे देंगे कि जो है ना बेसिक डॉट HTML इस तरह से हमने लिखा। जैसे ही इसको सेव किया तो यहाँ पर जाकर हम लोग डेस्कटॉप पर देखते हैं कि ये देखिए हमारे पास बेसिक के नाम से यहाँ पर बन गई है। अब देखें इस ये फाइल जो है ना हमारी, अगर मैं इसको इस तरह से HTML से नहीं, मैं इसको क्या करती हूँ सेव एज करती हूँ, मैं इसको सेव एज डेस्कटॉप पर जाकर किसी भी बेसिक नाम से जो है ना अगेन सेव कर लिया, तो मैं इसको जो है ना कोई और नाम दे देती हूँ, फॉर सपोज मैं दे देती हूँ यहाँ पर जो है ना फाइल दे देती हूँ, उसका नाम मैं जो है ना फाइल दे देती हूँ। और इसको मैंने यहाँ पर जस्ट HTML नहीं किया तो उससे क्या होगा कि देखें हमारा यहाँ पर ये हमारी टेक्स्ट फाइल हो गई जो कि एज अ टेक्स्ट है। बट यहाँ पर अगर ये हमारा ब्राउज़र शो हो रहा है ना, क्योंकि हमारी HTML की फाइल कहाँ पर शो होती है, हमें ब्राउज़र में शो होती है, तो ये हमारा ब्राउज़र बन गया। मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्या है, क्रोम है, तो ये हमें क्रोम में शो हो रही है। तो हम जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास वेब पेज ये बन गया है जिसमें हमने जो यहाँ पर देंगे हम लोगों ने यहाँ पर हमने HTML यूज़ किया, HTML को क्लोज़ किया, बॉडी को स्टार्ट किया, बॉडी को एंड किया, अब हेड और हेड को क्लोज़ किया। अब ये हमारे पास जस्ट बेसिक स्ट्रक्चर बन गया जिससे हमारी जो है ना ये एक तरह से वेबसाइट खुल रही है। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि व्यू पेज सोर्स, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो देखें कि ये इस पेज की जो ये मैंने इस वक्त पेज बनाया हुआ है ना, इसकी जो भी कोडिंग होगी ना, अब ये पेज ज़रूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस वाले क्रोम पर जाऊँ ना और यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल यू कर देती हूँ तो इस वाले क्रोम के पेज पर जो भी कोडिंग की हुई है वो कंट्रोल यू करने से मुझे यहाँ पर सारी की सारी शो हो रही है। उसी तरह से अगर ये पेज इस वक्त खुला हुआ जो कि मैंने बनाया है किस कोडिंग से, इस वाली कोडिंग से,
अब अगर मुझे इसकी कोडिंग फाइंड करनी तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल यू कर दूंगी। देखिए यहाँ पर वो हमें पूरी की पूरी कोडिंग शो कर रहा है कि आपने जो ना इस वाले का कोड हमारे पास ये चीज़ है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये बेसिक सा स्ट्रक्चर पढ़ा। हम लोग यहाँ पर हेड के बीच में एक चीज़ आती है हमारे पास टाइटल, हम लोग इसको टाइटल दे देते हैं। टाइटल को जो है ना ये भी अगेन कंटेनर टैग है, तो ये हमारा क्लोज भी होगा ओपन भी होगा। इसके बीच में हम लोग लिखते हैं के बेसिक स्ट्रक्चर, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर लूँगी और यहाँ पर जाकर मैं जो है ना इसको F5 कर लेती हूँ, रिफ्रेश। अब तो देखें हमारे पास क्या हो गया कि ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर टाइटल में आ गई, कि ये हमारा जो है ना क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको टाइटल भी दे सकते हैं, और इसके ये टाइटल हमारा क्या आएगा, हेड के बीच में। अब हमारा जो भी काम होगा ना, HTML के जितने भी टैग्स यूज़ होंगे वो कहाँ पर होंगे, ए बॉडी के बीच में होंगे। तो वो सारे हम लोग जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।